बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन लर्निंग एकेडमी। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, यहाँ पर भी लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट। अभी तक हम चैप्टर 2 के अंदर डेरिवेटिव लेना ही सीख रहे थे कि डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं। डेरिवेटिव के ऊपर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ये क्वेश्चन भी सेम एज इज है, वही रूल अप्लाई होंगे, वही पावर रूल, वही प्रोडक्ट रूल, वही क्वेश्चन रूल। लेकिन थोड़ा सा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आप पैटर्न चेंज लग रहे हैं। इसमें आप इंशाल्लाह ये सॉल्व करें तो बहुत ईजी है, सिर्फ आपने थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करना है। देखिए आप यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स, सेकेंड जो पार्ट है वो लिखा हुआ है साइन स्क्वेयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट 4x। यहाँ पे आप देखें जो फर्स्ट आपके पास फर्स्ट पार्ट है, मैंने आपको बताया है कि जब भी डेरिवेटिव लें तो फर्स्ट स्टेप यही करेंगे, जो भी क्वेश्चन हो उसको y के इक्वल लेट कर लें। अब y के इक्वल देखिए हम साइन x लिखा हुआ है, इसको भी लेट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू कॉट x है तो इसको आप एक अलग वेरिएबल के नाम के ऊपर रख लें। यहाँ पे आप u रख रहे हैं या कुछ और रख रहे हैं, जो मर्जी आपका नाम आप रख सकते हैं। यहाँ पे एक को y रख लें, एक को u रख लें, x नहीं रख सकते क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम लेंगे, तो x के अलावा आप कोई जो मर्जी आपका दिल करे आप रख सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे रखा हुआ वो है u। अब y का अलग डेरिवेटिव लेना है, u का अलग लेना है। अब यहाँ पे देखिए आप विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, हम डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा y का। साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, हमारे पास कॉज x, तो ये हमारे पास y का डेरिवेटिव हो चुका है। अब u का अलग लेंगे, इसी तरह डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, अब कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसिकंड स्क्वेयर एक्स। तो ये हमारे पास दोनों डेरिवेटिव हो गए। अब जो नेक्स्ट हम रूल अप्लाई करेंगे वो है बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल मैंने बहुत डिटेल के अंदर प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि चेन रूल्स कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देखें डी वाई बाई डी यू, सो पार्ट नंबर जो 2 है इसमें आप देखेंगे हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वेयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस 4x। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास आया हुआ है काफ़ी सारे बोर्ड्स के अंदर, यहाँ पे गुजरात बोर्ड भी लिखा हुआ है, लाहौर बोर्ड भी लिखा हुआ है, फिर अगेन लाहौर बोर्ड और लाहौर बोर्ड। लाहौर बोर्ड में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं, तो जो पिंडी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को अपने माइंड के अंदर रखें और इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। अब सबसे पहला ये काम होता है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन इस तरह गिवन हो तो आपने क्या करना है, उन दोनों को जो वेरिएबल ये लिखे हुए हैं उनको लेट कर लें, दो अलग अलग नाम, एक साइन स्क्वेयर एक्स इसको मैं वाई के इक्वल लेकर रखता हूँ और जो कॉट 4x है इसको मैं यू के इक्वल रख देता हूँ। अब जो वाई वाला है इसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वेयर है इसका मतलब इसका होल ऊपर है, तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे और डेरिवेटिव अंदर लेंगे तो साइन का आ जाएगा कॉज एक्स। तो हमारे पास ये टोटल जो डेरिवेटिव आएगा 2 sin x एंड कॉज एक्स। अब कॉस 4 है इसका मतलब ये पूरी होल पावर है, तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे 3 रह जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ कॉस का लेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो माइनस बाय ले जाएंगे 4 के साथ साइन एक्स और इसको आप सीक्वेंस करके एक लिख सकते हैं जिस तरह ये लिखा हुआ है। उसके बाद बाई यूजिंग चेन रूल, चेन रूल हमें पता है क्या है, हमारे पास होता है डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी यू और डी एक्स बाई डी यू। अब यहाँ पर हमने ये जो डी वाई बाई डी यू लिखा हुआ है बाहर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो गिवन है वो डी वाई बाई डी एक्स की एक वैल्यू है, तो इसलिए हमने डी वाई बाई डी एक्स अंदर रख लेंगे और डी यू बाई डी एक्स एक ही आ जाएगा और डी बाई जो डी वाई बाई डी यू बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो दूसरी होती है वैल्यू मैंने कहा है हमेशा आपको इसको बटे के अंदर ले आएंगे 1 बाय, तो 1 बाय कर दिया माइनस 1/4 साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स। अब साइन एक्स यहाँ पर भी है, साइन एक्स यहाँ पर भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद जी कॉज है, कॉज एक्स यहाँ पे भी है, इसके साथ कैंसिल आउट, पीछे यहाँ पे 2 रह जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 1/2, 2 है, 2 भी 4 के साथ कट जाएगा, 2 रह जाएगा, 2 साइन एक्स एंटर और पीछे कॉज स्क्वेयर। तो कॉज जो होता है ये हमारे पास उल्ट होता है, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास होता है सीकंड स्क्वेयर एक्स, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।